तो यार सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, छोटा यूट्यूबर कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सुनो। देखो आप जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपके चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 100, ठीक है, 100 समझ लो। और 100 व्यूज में से समझ लो कुछ आपके दोस्त के हैं और एक आधा व्यूज आपको कोई, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, आपको बिहार का मिल जाता है, झारखंड का मिल जाता है, एमपी का मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है। तो यार आपसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा और कौन होगा। आपने अपनी वीडियो दूसरे स्टेट में चलवा दी, अपने स्टेट में तो चल ही रही है, वो दूसरे स्टेट में भी चलवा दी, तो यार आप छोटे कहाँ से हो। अब आप कहोगे कि तो वीडियो के बाद छोटा यूट्यूबर क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा जिससे कि आप छोटे समझकर ही ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो से आपको इतना कुछ सीखने वाला है ना, इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा कुछ। हमेशा याद रखोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ जुनेद ने कुछ बताया था। तो यार उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, पहले भी पता ही चल गया, मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं जुन्नू की टेक यूट्यूब चैनल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एंड नेवर अपडेट। तो यार सुनो, सबसे पहले कोई भी यूट्यूबर न्यू आता है यूट्यूब पर, उसका ड्रीम होता है यार मेरे भी 100K सब्सक्राइबर हो, मेरे भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, मेरा भी ड्रीम है। अब देखो स्टार्टिंग में होता क्या है, आपको अच्छा कंटेंट क्या करते हो, आप दूसरों की वीडियो ही बनाते हो, मतलब दूसरों की वीडियो देखी और आपने अपना वही जो उसने बताया वही आकर यहाँ पर बता दिया, ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्टिंग में कॉन्टेंट नहीं मिल पाता आपको अपना। लेकिन आपके साथ एक बात, एक काम जरूर होता होगा, आपके साथ क्या सभी के साथ हुआ होगा और मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन उससे आपको गुजरना पड़ता है, उससे आपको लड़ना पड़ता है। वो काम यही होता है यार, पूरी वीडियो देखकर जाना, अच्छे से समझाऊंगा। देखो जैसे आप YouTube पर एक वीडियो डालते हो उसमें से आपको 100 व्यूज मिलते हैं, 100 व्यूज में से 2-3 बंदे आपकी लाइक करते हैं वीडियो या 10 ने कर दी, चलो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बंदा या 2 बंदे 3 बंदे आपको गाली देकर जाते हैं कमेंट में, आपका कॉन्टेंट अच्छा है और उस सामने वाले को पता है कि इसका कंटेंट अच्छा है, लेकिन वो फिर भी आपको गाली देकर जाता है। वो पता क्यों देकर जाता है, यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, इसका कैसे, इस पे व्यूज कैसे मिल गए, इसने अच्छा, आपने मुझे पता है अच्छा कंटेंट है, लेकिन गाली देकर जाएगा, क्यों, वो इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और उससे आप क्या करते हो, अपना चैनल बंद करके बैठ जाते हो, नेक्स्ट वीडियो नहीं डालोगे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। तो यार इस बार मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, अगर कोई भी बंदा गाली दे उसका रिप्लाई नहीं करना, आप इग्नोर करो और कमेंट डिलीट नहीं करनी है। ये बात दिमाग में बिठा लेना कि जुनेद ने बताई थी जुन्नू की टेक यूट्यूब चैनल पे कि कमेंट डिलीट नहीं करना है। कमेंट डिलीट करोगे आपका एक कमेंट घट जाएगा, सोचो एक कमेंट लेना कितना हार्ड होता है यूट्यूब पर, एक कमेंट लेना भी बहुत हार्ड। तो यार मेरा कहने का मकसद ये है कि डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना है, आप पैसा कमाना है, पैसा मिलेगा, पहले कंटेंट पे ध्यान दीजिए फिर पैसा मिलेगा। तो यार कुछ तो सीखने के लिए मिला ही होगा आपको इस वीडियो से। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शकल देख के मत करना, कंटेंट देख कर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।